देन करते ये मन तो लबारी मारे काम करते। और कहावत भी है ना, लबरा के नव नांगर। और पवन दीवान के एक कविता है, जेकर जत के नाक कटावे तत के बाढ़े लाम। प्रधानमंत्री आके लबारी मार के चल दिस कि धान ला मैं खरीद थो, एकर ले बड़े लबारी अव का हुई भाई। धान ला वो खरीद थे तो प्रियंका जी अकेरी सुरता है तुम लोग। प्रियंका जी सब हम कौन कौन कह रहे हाथ उठाओ भला। और प्रियंका जी कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार यदि धान खरीदत है तो ओकर निर्वाचन क्षेत्र जहां चुनाव जीत के जाते बनारस, वहां किसान 1200 रुपए में काबर बेचाते। पहले तो अपन क्षेत्र देखते ना आदमी है, अपन प्रदेश देखते तो कतका बड़ा भारी। उत्तर प्रदेश में 1200 रुपए क्विंटल में, गुजरात में 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचाते, और यहां 2640। ये है कांग्रेस की सरकार, ये है भरोसा के गारंटी। और राहुल जी आज आए तो जरूर कुछ न कुछ घोषणा करके जाइए, और बोला पूरा करे जिम्मेदारी हम सब साथी के, सब संगवारी मन पूरा करबो। तो मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए आप जोरदार ताली बजात रहो, मैं नारा लगाऊ, मोर संग नारा लगाओ, और ओकर बाद राहुल जी में आमंत्रित करो। तैयार हो? कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ताली बजाते रहो। आइए राहुल जी हम सबको संबोधित करें, आदरणीय राहुल गांधी जी। कुमारी शैल, पिछले चुनाव में हमने आपसे 2-3 बड़े वायदे किए थे, किसानों को अपनी मेहनत का सही फल, उनका कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, ये वायदे हमने आपसे कहे थे। और जब हम आपसे ये वायदे कर रहे थे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे स्टेज से हर रोज कह रहे थे कि ये वायदे पूरे नहीं हो सकते। और जैसे ही हमारी सरकार बनी, ऐसी मीटिंग में 5 साल पहले हमने कहा था, जैसे हमारी सरकार बनेगी समय नहीं लगेगा, एकदम जो हमने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। और खुशी से मैं कहता हूं कि जिस काम को बीजेपी ने कहा था कि नहीं किया जा सकता, उस काम को हमने 2 घंटों में करके दिखा दिया पूरे प्रदेश को। 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना 23,000 करोड़ रुपए, 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए, 5 लाख मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। देखिए, सरकार चलाने के 2 तरीके होते हैं। आप किसी भी सरकार को देखो, 2 ही तरीके होते हैं। एक तरीका कि आप प्रदेश के या देश के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाओ, और दूसरा तरीका आप देश के
या प्रदेश के सबसे गरीब लोगों की मदद करो। यही दो तरीके हैं और तीसरा तरीका है नहीं। लोग कहते हैं कि भैया नहीं तीसरा तरीका होगा सबकी मदद, नहीं, सीधी सी बात है, या आप जो लाइन में सबसे पीछे बैठे हैं खड़े हैं उनकी मदद करो, या फिर लाइन में जो सबसे आगे बैठे हैं खड़े हैं उनकी मदद करो। और हमारी जो सरकार है, और किसी भी स्टेट में देख लीजिए, यूपीए सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अडानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अडानी जाती है, एयरपोर्ट अडानी जी को दी जाते हैं, पोर्ट्स अडानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं किसान के खिलाफ, कानून बनाए गए वो कानून अडानी जी की मदद करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अडानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अडानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अडानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। सीधी सी बात, मनरेगा देख लीजिए, हम मनरेगा लाए, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने देश के सब मजदूरों का अपमान किया, कहा कि मनरेगा बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है। भोजन का अधिकार हम लाए, कर्जा माफी हमने की, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे, कमजोर लोगों की मदद नहीं करेंगे, तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता, ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने वायदा किया था 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, सही बात है, सही बात है ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है क्या? कितना ज्यादा, कितना है? 2,640। और यहां सारे लोग जानते हैं कि आज 2,640 है, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2,500 का, और आने वाले समय में जाके वो 3,000 तक पहुंचेगा। सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। अब इसका क्या फायदा है? सबसे पहले किसानों की मदद होती है, मजदूरों की मदद होती है। अब जब किसान के जेब में पैसा आता है, वो उस पैसे का इस्तेमाल गांव में करता है, गांव में वो अपना पैसा डालता है, कुछ खरीदता है, और पूरी गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। बीजेपी की सरकार क्या करती है? वही पैसा जो हम किसान को देते हैं, 2,500 प्रति क्विंटल, लाखों किसानों को हमने जो दिया, वही पैसा बीजेपी अडानी को दे देती है। क्या अडानी अपने पैसे को गांव में डालता है? क्या क्या अपने अडानी अपने पैसे को गांव में खर्च करता है? क्या नहीं, अडानी आपका पैसा उठा के विदेश में, लंदन में, अमेरिका में अपना पैसा खर्च करता है, बड़ा मकान खरीदता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदता है। तो हम जो काम करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करते हैं, आपकी मदद करने के लिए करते हैं। बिजली बिल हमने हाफ क्यों किया? बिजली बिल हमने हाफ किया
आपके जेब में पैसा आया, वही पैसा जो आपने बचाया उसको आपने खर्च किया। कहां खर्च किया? गांव में खर्च किया, गांव की अर्थव्यवस्था बढ़ी। छोटे छोटे शहरों में खर्च किया,